जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हुआ का दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं देश विदेश में सबसे नामचीन 10 आर्ट गैलरियों में एक इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट यानी आर्ट गैलरी में। और आर्ट गैलरी में बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन लगी है सरदार नरेंद्र सिंह जी की, और इसका जो शुभारंभ है राजेंद्र मोहन सिंह चीना ने किया था। AS चमक जी और शिवदेव सिंह जो प्रधान हैं उनके सहयोग से यहाँ पर आर्ट गैलरी में आज एक ऐसी प्रदर्शनी लगी है जो देखकर आप भी दांत तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी बात, एक ऐसे कलाकार जिन्हें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2014 में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिला, तो उस कलाकार से भी मिलाएंगे और हम आपको दिखाएंगे प्रदर्शनी। तो आज हम पहुँचे हैं आर्ट गैलरी में, तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले शुभ काम। सबसे पहले ओंकार कार का नाम देख सकते हैं, ये क्या बात है, लकड़ी बोल रही, लकड़ी बेजान लकड़ी जैसे कि बोल उठेगी। और ये जो है कोई भी इसे देखते ही वाहेगुरु का नाम लेने से अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि आंखें जब सीधा दिमाग को पहुंचाती हैं मैसेज तो आंखें बताती हैं लिखा क्या है, बहुत ही खूबसूरत। तो इसी के साथ हम नरेंद्र सिंह से भी मिलाएंगे, और 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और नरेंद्र सिंह मजीठा रोड के नगीना एवेन्यू में रहते हैं और नगीना से काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात सरकारी टीचर हैं, मूर्तिकार हैं, सरकारी टीचर हैं, और अब तक 50 से ज़्यादा ऐसे कलाकारों को इन्होंने फ्री शिक्षा दी है जो अलग अलग क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में ऊंची बुलंदियों को छू रहे हैं। सबसे बड़ी बात इनकी बेटी जो है और इनका बेटा, पूरा खानदान जो कला का एक वारिस बनकर इस शहर का वारिस है। और ये देख सकते हैं लकड़ी, तो ये बेजवान लकड़ी में देख सकते हैं, वाह क्या बात। तो हम मिलाते हैं नरेंद्र सिंह से। नरेंद्र सिंह जी आपका लाइव भारत में स्वागत है। हमने स्टार्टिंग वहाँ से की वाहेगुरु का नाम लेते हुए, और हम वाहेगुरु का नाम लेते हुए आगे चलेंगे। ये जो चीज़ है इतनी, ये लकड़ी है, कैसे आपने इसको सांचा, कैसे कितने मेहनत, कितने दिन का काम है ये, कितने महीनों का काम है? देखिए ये तो पहले दिमाग में सारा बिठाना पड़ता है, पेंटिंग और स्कल्पचर में दोनों में बहुत फ़र्क है। पेंटिंग है जो एक साइड पर होती है बस, स्कल्पचर जो है सारी साइड से हर तरफ से दिखना चाहिए, सही ड्राइंग उसकी सही होनी चाहिए, इसमें कंटिन्यूटी होती है, और इसके ऊपर ड्राइंग नहीं हो सकती। अगर ड्राइंग करेंगे तो जैसे हम पहले लकड़ी काटेंगे वो ड्राइंग निकल जाएगी, सारा दिमाग में बिठा के ये काम करना पड़ता है, और काफ़ी मेहनत का काम है। मेहनत का काम है, मेहनत तो आपकी झलकती ही है, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं आपकी। तो ये देख सकते हैं ये कौन सी लकड़ी है जी, और ये क्या आपने सोच के बनाया, और ये कितनी है, कितना दिन इसको लगा? जी शीशे में है जी, टाली टाली जिसको हम बोलते हैं जी, ये इन्फिनिटी को बेस लेके बनाया गया है जी, जो साइन है साइंस का अनंत, मरे जो राष्ट्रीय भाषा इसे अनंत बोलते हैं, शून्य से लेकर शून्य तक मेरा जो ज़्यादा काम है जी इसी ही सब्जेक्ट के ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर। जब आपको जो मूवमेंट है वो दिखेगी मेरे काम में, और उसमें कंटिन्यूटी है वो चलता रहता है उसमें। सरदार नरेंद्र सिंह आप टीचर हैं, टीचर होने के बाद में आपने ये जो सजा रखा है, ये हुनर है आपका, किन किन चीज़ों पे मैं नज़र डालूं, हर चीज़ तो आपकी अनमोल है, हर कलाकृति कुछ ना कुछ बोल रही है। तो लकड़ी को किस तरह से जान फूंक दी है, और ये देख सकते हैं आप, वाह सर इसमें यहाँ पे जोड़ लगा है, यहाँ पे जोड़ लगा है, यहाँ पे जोड़ है, और यहाँ पे जोड़ है नीच बाकी जोड़, एक पीस ये तो बेस है ना, ये बेस है इसलिए जोड़ है, और ये सब सारा कुछ किया। अच्छा तो ये बांसुरी के छेक के हिसाब से किए क्या? नहीं इसका कुछ शेक तो इसमें पहले से ही, कुछ इसकी गलतियां निकालने के लिए। अच्छा सुना नरेंद्र सिंह जी, आप पेड़ों में जब आप आकृति देखते थे, टहनियां देखते थे, तो उसको आप बड़ा वहां से ले आते थे, और क्या नाम है उसके बाद में उसको आप काटते थे, ये पेड़ों में आप काट लेते थे, पेड़ों में आप चित्र देखते थे और उसको फिर आप मूर्ति बना देते थे, ये क्या क्या सारी कहानी है? वो मेरी स्टार्टिंग थी जी, जी जी पेड़ में कैसे टाणियाँ अपनी जगह बदलती हैं जी, जो कुदरती अंदाज उनका आता है, जो अच्छा लगता था जी, उतनी लकड़ी काट कर उसको और सजाने की कोशिश करता था जी, जी।
उसके बाद मुझे लगा कि जो मैं सचमुच में चाहता हूँ, जो मेरे अंदर है, वो बाहर नहीं निकल रहा। तो फिर मैंने एक अपने जो उस्ताद से उनसे बात करके एक बड़ी लकड़ी ली, सॉलिड पीस, उसमें से वो निकालना चाहा जो मैंने करना चाहता था। वाह क्या बात। तो सर, 4 साल नेशनल अवार्ड, 4 साल आपने नेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड की आपने झड़ी लगा दी, और आप नेशनल अवार्ड के साथ साथ आपको आप इतना हुनर आपने सीखा कहाँ से? देखिए जी, एक तो जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, दूसरा इस गैलरी से बहुत सहयोग मिला। कभी जब मैं छोटा था, स्टूडेंट था, तो इस गैलरी में सीखने के लिए आया और बस इसी गैलरी का होके रह गए। क्या बात, आर्ट गैलरी, वाह। तो आर्ट गैलरी, और क्या बात है, इतना खूबसूरत, क्या बात। सर आप तो कमाल कर रहे हैं। तो आप अमृतसर के इकलौते इस समय ऐसे कलाकार हैं जिनके पास 100 से ज़्यादा, आपने 108 अब तक मूर्तियां बना ली हैं, लकड़ी की मूर्तियां, और अब कहीं ना कहीं लकड़ी से आपको इतना मोहब्बत, इतना प्यार, और ये इसमें कहीं ये जोड़ कहाँ है सर? इसमें कहीं भी नहीं है जी। जोड़ कहाँ है? साथ में ही है। इसमें जोड़ नहीं है जी, बेस भी साथ में ही है। नहीं, बेस में भी जोड़ नहीं है? नहीं, बेस इसी में, एक ही लकड़ी में है सर। इसमें कोई जोड़ नहीं है? नहीं जी, कोई जोड़ नहीं। मतलब कोई एल्फी नहीं? नहीं। और ये इतनी मुड़ कैसे गई ये? नहीं, एक ही सॉलिड पीस था, ये लकड़ी थी, ऐसे जा रहा था पेड़ और ऐसे जा रहा था। हाँ। फिर उसी को निकाला इसमें से। नहीं नहीं, ये कैसे, इसमें जोड़ गए? ये तो एक कहा बुझारत हो गई है ये। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कुदरती हो सकता है? कुदरती आपने बना दिया? नहीं, ये तो लकड़ी को काट के बनाया गया है ये। अच्छा, हाँ जी। इसमें जोड़ है? नहीं, जोड़ नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जोड़ नहीं है ना सर? जोड़ नहीं है। तो बिना जोड़ के ये कलाकारी है जो आपने दिखा दी है जी? यही ये कलाकारी है जो है, यही कलाकारी है। तो देख सकते हैं, बिना जोड़ के ऐसा लकड़ी का बनाना शायद इनसे अच्छा और कौन बना सकता है। आगे चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। तो आर्ट गैलरी में 5 रोज़ा यहाँ पे आज समारोह था, ये देख सकते हैं। वाह, तो ये है, तो ये अपने मुखौटा बनाया जी? जी जी। अच्छा, ये किसका मुखौटा? ये अमेरिका वालों का है ऐसे, या अफ्रीका वालों का? ऐसी शक्ल तो अमेरिका अफ्रीका वालों की होती है शायद। जो मुखौटा होता है ना जी, वो अपना तो होता ही नहीं है। क्या बात, बहुत बड़ी बात, शायराना बात, वाह। तो ये चिड़िया पीतल की हैं या लकड़ी की? लकड़ी की है जी। चिड़िया पीतल की, लकड़ी की? लकड़ी की, लकड़ी की है जी, लकड़ी की है। चिड़िया लकड़ी की? हाँ जी, चिड़िया भी लकड़ी की, बस ये लोहा है। लोहा, क्या बात, काम आपका सारा लोहा है सर। चलिए आगे चलते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मूर्तिकार से मिला रहे हैं नरेंद्र सिंह, मजीठा रोड नगरिया एवेन्यू में रहते हैं, और बेटी इंद्रप्रीत कौर और बेटा वो भी इसी कला से जुड़े हुए हैं। और ये देखते हैं, ये दूर से मानो हड्डियों का ढांचा लगता है, इतना क्लियर, इतना लकड़ी, इतनी साफ। सर, इसके लिए रगड़ाई की है आपने क्या? जी जी, फिनिशिंग के लिए रेगमा यूज़ करना पड़ता है। तो ये लकड़ी के पेड़ के अवशेष से आपने कलाकृति बना दी? कुछ स्यों का काम है जी, कुछ मेरा काम है इसमें। अच्छा, कुछ वो वाले कीड़े जो लकड़ी को खा जाते हैं, दीमक का, वो लकड़ी को खा जाते हैं लेकिन आपको लकड़ी को खूबसूरत बना देते हैं, हा? इतना ही फर्क है। चलिए नरेंद्र सिंह की अगली हम दिखाते हैं। ये वाह, इसमें भी जोड़ नहीं है? पहली देख के समझ में आ गया, इसमें भी जोड़ नहीं होगा। ये बनाने में कितना दिन लगा जी? मेरा पहले का काम है जी, फिर इसमें देखिए दिन का तो तभी बताऊंगा कि सुबह से लेकर शाम तक काम हो। हाँ, ये तो जब ऐसा भी होता है, रात को उठते हैं फिर आपने काम शुरू कर देते हैं, ऐसा कभी भी कभार हो जाता है जी। कभी कभार जब नींद नहीं आती है तो काम, इसी से मोहब्बत हो गई आपके लकड़ियों से। आप लकड़ी के आप बहुत बड़े, मतलब क्या कहते हैं, मोहब्बत लकड़ियों से ऐसी बेजान कि कुछ ना कुछ लकड़ियाँ बोलती हैं और बोलती यही। सर, इसको हम विदेशों में, इसका जो प्रचलन है केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए है, और ये वो चीज़ नहीं है क्या? ये क्या चीज़ है ये? इसको देखिए, तीन, एक तो मैं परिवार पूरा दिखता है, एक वो दिखता है जो जमीन से उगता है, हाँ, और एक ये दिखता है, परिवार भी दिखता है, एक परिवार, एक बच्चा। ये नीचे देखिए ना, यहाँ पे तो केयर इसका टाइटल है। हाँ।
ये जो बीच वाला है ना, दोनों इसकी केयर कर रहे हैं, इसको हाँ जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको। तो इससे आप ये संदेश नहीं देते कि हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को ऐसे ही केयर करें? जी बिल्कुल, बुजुर्गों को भी करना चाहिए और छोटे बच्चों को भी करना चाहिए। क्या बात है, तो आगे चलते हैं। तो क्या खूबसूरत है, चीज़ें हैं, जान डाल देते हैं। ओ डब्लू उल्लू। अच्छा, तो ये लकड़ी का? जी। अरे वाह। अच्छा सर, ये अगर सेल की जाए तो कीमत की कोई कीमत नहीं होती? कीमत की कोई कीमत नहीं, आँखों की कीमत होती है। तो खूबसूरत अगर चीज़ें हों तो सेल भी होती होंगी। मार्केट में कला का कदरदान तो है ही जी, काफ़ी कीमत में मिलती होगी? जो कदरदान है जी वो अच्छी कीमत दे जाते हैं। वैसे मैं कम सेल करता हूँ, पर फिर भी इनकी जो अच्छी कीमत मिल जाती है मार्केट में। मैं आपको बता दूँ, जो एशिया में सबसे अमीर आदमी है राम विस्तार जी आर्ट के, वो स्कल्पटरी हैं जिन्होंने सबसे बड़ा बुत बनाया है। क्या बात है, तो आपने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये रिकॉर्ड तोड़ा है 2014 में, और ये देख सकते हैं हम, बहुत शानदार। मैं समझता हूँ कि इतनी शानदार कि मदर चाइल्ड की ये लकड़ी पे आपने शायद कभी देखा हो, और ये अवार्ड मिला है इसको। और ये अवार्ड क्या मिला था, हम पूछते हैं आपसे इंद्र जी। जी दिल्ली इंडियन दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिला था इसमें। अरे वाह, क्या बात, तालियां खूब बजी होंगी फिर तो। जी बिल्कुल जी, हाँ जी। अच्छा तालियां बजी। अच्छा ये बताइए, आपके जब आप यहाँ पे पहुँचे तो आपने आर्ट गैलरी में ये वाला ही क्यों चुना? ब्रश वाला भी तो है, पर आप लकड़ियों, बेजान लकड़ियों से मेहनत भी ज़्यादा है। अरे वाह, तो ये भी एक मेहनत का नमूना है। मेहनत की ज़्यादा की बात की है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आकृति पर आप गौर कीजिए, तो आकृति बहुत कुछ कहती है। एक इंसान की आकृति भी हो सकती है, एक माँ की आकृति भी हो सकती है। क्या आकृति है, हम मूर्तिकार से पूछते हैं, ये क्या चीज़ है जी? इसका टाइटल लेडी है जी, औरत है एक। मैम देख ले, मैंने यहाँ पे कहीं छपा नहीं था, तब भी मैंने अंदाज़ा लगाया एक माँ हो सकती है। आप भी कलाकार हैं? अरे वाह क्या बात, तो कलाकार, और वाह क्या बात है, इससे अच्छा शो पीस तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये जली हुई शायद लकड़ी का बना दिया है ये एक आकृति। और ये दिमाग से भी काम लें तो दिमाग, छोटी सी लकड़ी में ऐसी आकृति आप देख सकते हैं, इंसान उस पर नेत्र और जली हुई ये लकड़ी। जली हुई लकड़ी है सर क्या कि ये डिजाइन है? ये बहुत पुरानी लकड़ी है जी, उस पर कोई खास काम नहीं किया गया है। जो लाइन आपको दिख रही है वो नेचुरल है, काला ऊपर नेचुरल है, आँख बनाई गई है, नाक मुँह बनाया गया है, बाकी नेचुरल। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है सर। इसके बीच में लकड़ी थी? जी जी, ऐसी लकड़ी थी ये सारी? सारा तो जब आपने लकड़ी काटा ये सारा कुछ, तो ये जो है, एक तो होता है ना जी बन जाता है, ये कैसे ये सारा कुछ आपने नाप के तौल के, ये सांचा है क्या है? जो उस समय दिमाग काम करता है, जो ऊपर से हुक्म होता है वैसा ही काम होता है। ऊपर से हुक्म होता है तो हम आपको बता दें, वाहेगुरु का जाप करते हुए ये सुबह नित्य नियम के साथ साथ एक वहाँ पे अपने कलाकार के रियाज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके पास भंडार है, मैं समझता हूँ कि पंजाब के देश विदेश में ऐसा एक इनका संग्रहालय है। और ये देख सकते हैं, वाह गेंद भी, ये गेंद भी लकड़ी है अजाम। ये गेंद जोड़ नहीं है? नहीं लकड़ी है जी। जोड़ तो नहीं है ना गेंद? नहीं, जोड़ है। नहीं, नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में क्रिकेट होती हो तो लकड़ी की गेंद से खेलते हो? हो सकता ही खेलते होंगे। लकड़ी का गेंद है? अरे वाह क्या बात है, ये पुराने जमाने के कंचे हैं क्या? जी हाँ जी वही है, है? जी वही है। और ये चीज क्या है, ये लहराती हुई चीज क्या है? ये एक्वेटिक रखा है जी, समुद्री जीव। हाँ वही वही, समझिए लहराती हुई जैसे होता है ना सांप की एक प्रजाति, सांप की एक प्रजाति, समुद्री जीव कोई भी हो। वाह ये लो, ये देखिए, वाह क्या बात है। ये सेब की, ये क्या है जी? ये सेब की कहानी है जी। अच्छा ये एप्पल वाला जो आजकल चलता है, ये वो शैतान ने जो एप्पल खिलाया था। अच्छा क्या कहानी है इसे? ये एक दंत कथा है जी। अच्छा, जो पहले हमारे मनुष्य थे अच्छे थे बोला जाता है, उनमें कोई पाप नहीं था, तो शैतान ने उनको एक जो फ्रूट था वो दिया, जिसकी वजह से उनमें से वो झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा इसका मतलब ये ये जो आपने ये आपने शैतान बता दिया है, ये ऊपर आपने शैतान बता दिया। अच्छा लकड़ियों को भी हो, ये सेब को देखिए काटा हुआ, दांतों के निशान तक, इतनी बारीकी तक जाते हैं मूर्तिकार नरेंद्र सिंह,
कि क्या बताएं, यही इनकी काबिलियत है। 4 बार नेशनल अवार्ड, बहुत बड़ी काबिलियत, 4 बार नेशनल अवार्ड मिल जाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी। ये देख सकते हैं क्या बात है, ये एक मुखौटा ना कहे, ये एक ग्लोब टाइप बनाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लोब टाइप है और यहाँ पर ये जो अलग अलग, वाह क्या खूबसूरत, वाह यहाँ तक नीचे तक देख सकते हैं, क्या अद्भुत। और उसके बाद में एकता, एकता का कहीं ना कहीं ये जो मूर्ति है वो एकता के प्रतीक है क्योंकि ऊपर दोनों हाथ मिले हुए हैं। तो आगे हम जानेंगे इस बारे में, ये चीज़ क्या है, क्या आपने ये एकता के प्रतीक, ये इतना मुखौटा, इतनी शानदार आपने कारीगरी, तो कितना इसको समय लग गया होगा? काफ़ी समय लग गया जी, कम से कम 6 महीने तो लग गए होंगे। ये भी कोई अवार्ड वगैरह में अभी गया कि अभी जाना है? नहीं जी अभी ये नहीं गया, अभी जाना है। अच्छा अभी जाना है। तो आजकल हम आपको बताया अवार्ड बनाने के लिए हर की तैयारी होती है और देख सकते हैं यार, यही लकड़ी अगर सर वैसे ही पड़ी रहती किसी घर के कोने में, आपके हाथ ना लगते तो ऐसी ये सच संवर ना पाती। ये तो बात सही है ना जी? बिल्कुल सही है। क्या बात है। तो सर ये सब बिना किसी जोड़ के गेंदे हैं जो भी है? ये जो गेंद है जी ये अलग से लगाई गई है, लेकिन गेंद में कोई जोड़ नहीं है। गेंद में कोई जोड़ नहीं है। और ये देख सकते हैं ये, वाह क्या बात है। ये इंसान की भटकन दिखाई दीजिए, इंसान की भटकन, इंसान इधर उधर भागता है, ये नीचे शैतान है जो मुस्कुरा रहे हैं, जे इसको भगा रहे हैं, जे वो शांति से बैठे हैं, लेकिन इंसान सारी तरफ से भाग रहा है। क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छी, और ये आपने जो किया है ये एक चिड़िया स्ट्रोक है जी। हाँ स्ट्रोक जी। बगले, एक बगले की किस्म है। हमारी कहाँ जो यूरोपियन कहानियाँ उनमें बताया जाता है कि एक पंखी जो बच्चे को घर के बाहर छोड़ जाता है कपड़े की। सर मान लो ये आपको कोई ख़रीदने के लिए आपको कहे तो इसकी कीमत आप बताएंगे उनको या नहीं? वो खरीदने वाला ही बताएगा ही कितने देगा। वैसे ही अगर हम इंटरनेशनल बात करें, आप कलाकार ना होते, आप एक कलाकार के कद्रदान हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने नहीं बनाई मान लो एक, मैं कहता हूँ आपसे आप जानकार हैं, इंटरनेशनल मूल्य क्या होगा? इंटरनेशनल की बात कर रहा था। इंटरनेशनल तो देखिए मनी वैल्यू जो हर जगह अलग अलग होती है, अमृतसर में कम मिलेगा, चंडीगढ़ में उससे ज़्यादा, दिल्ली में उससे ज़्यादा मिलेगा, ये और इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा मिलेगा। इससे भी ज़्यादा। तो कला की कोई कीमत नहीं है। कला की कोई कीमत नहीं, फिलहाल बता दें 20,000 से शुरू हो जाएगा काम। हाँ जी। अच्छा 20,000 तो अमृतसर में भी मिल सकता है। 20,000 अमृतसर में मिल सकता है। तो कहने का मतलब 20,000 तो मैं खरीद पर कोई कला की, अगर ये आपको कहीं पारखे नज़रें देख ले और उनको जो अच्छा लग जाए, आंखों को छू जाए, कीमत वो होती है। पेंटिंग तो करोड़ों में भी बिकती है जी, तो कला की कोई कीमत नहीं होती। कला की कोई कीमत नहीं होती, सही बात है। और ये कला की हम एक प्रदर्शनी, अनोखी प्रदर्शनी हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको फिर ले चलते हैं एक ऐसे एक कला की और कृति में, जो हाथों से इन्होंने लिखा है ओंकारकार। और ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी हम पूछेंगे और जानेंगे किस तरह से ये लकड़ी को डिजाइन में परिवर्तन कर दिया गया, ये कलाकारी है। और लकड़ी का ये कहीं ना कहीं जो ढांचा है, ये ढांचा जो है कहीं ना कहीं स्वरूप जो है ये कहीं खोखला हो चुका था, वो जड़ है क्या इसमें? देखिए सारा जो कुदरती लकड़ी का, जो इसको स्पेशल कोई रूप नहीं दिया गया, इसी के ऊपर लिखा गया और उसको उकारा गया है। अच्छा कोई रूप नहीं दिया गया, चलो नाम उकारा गया क्योंकि लिखा है। और इसकी बैक साइड पे अगर आप जाएंगे तो मूल मंत्र लिखा है जी पूरा इसके ऊपर। क्या लिखा हुआ? मूल मंत्र। अरे वाह क्या बात है। अच्छा ये लिखा है जो आपने, तो आपकी लिखावट भी बहुत ही कमाल की है, कहीं ना कहीं स्केच पेन से लिख के उसके बाद में आपने इसको इसको काटा होगा, लकड़ी को निकाला होगा काट के, ब्रश से लिखते हैं। ब्रश से? हाँ जी ब्रश। तो आपकी लिखावट बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लिखावट है जनाब। देखिए कला तो परमात्मा की देन है, उसी के हुक्म से होती है। अच्छा आप टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, तो टीचर की हम बात करें तो टीचर में अब तक क्या योगदान आपको यहाँ पे कोई 15 अगस्त में या कहीं आपको सम्मानित किया गया हो? 4 बार नेशनल अवार्ड तो मिल चुके हैं, लेकिन वही बात है कि गांव का जोगी जोगड़ा, अन्य गांव का सिद्ध, अपने ही, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, कद्रदान है, वो पूरी दुनिया में है। और आप
कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये जो छोटा सा आपने आज, मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा आपने कलाकृतियों का संसार बसाया है, तो एक म्यूज़ियम बना दिया है, तो टूरिस्ट पॉइंट आप सृजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सरकार यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाने के लिए, आर्ट गैलरी तो है ही, यहाँ पर सहयोग मिल ही रहा है, और कोई अपेक्षा है आपकी सरकार से? जी 15 अगस्त से एक बार मिल चुका है ये अवार्ड, जी जी ग्राउंड में मिल चुका है 15 अगस्त से जी, मंत्री जी से जी जी, और सभी से सहयोग मिल रहा है। चलो अवार्ड के, देखिए आपके हाथ का आपका हुनर बोलता है, हुनर बोलता है, तो हम यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, तो जनाब आप यहाँ पे आए हैं और हुनर बोलता है, आपने सब कुछ देखा, आप क्या कहना चाहेंगी आपकी जुबान? मैं सर ये कहना चाहता कि मैं इन्हों सरदार नरेंद्र सिंह जी उन्होंने इन्होंने स्कूल तो जानता, एज ए टीचर मतलब पहले मैं इन्होंने जानता सीगा, तो एज ए टीचर इन्हों के जोड़े बच्चे आ, मैं उन्हों का काम देखिया, हैंडराइटिंग देखी, मतलब सारे बच्चे ही इन्होंने जिन्हें स्टूडेंट्स ने सारे कैलीग्राफर ने, बहुत अच्छा बड़ी बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग उन्होंने, चलो मैं फिलहाल मैंने इन्ना ही पता सीगा पहले इन्हों की यह जी कला आ, ये बारे मैं पता लगा जदों भारत पाकिस्तान का लांघा खुला, उत्थे भी इन्होंने एग्जीबिशन जी लाई सी, उत्थे फिर मैं इन्होंने जो मिलया मैं वेख के मतलब कि आई वॉज टोटली सरप्राइज के सारे थोड़ी एग्जीबिशन है, क्योंकि इन्होंने मैं स्कूल तक नहीं सी मैं पता कि ये मतलब इस लैवल के नैशनल लैवल के मतलब एक स्कल्पटर ने, उत्थे पता चलिया तो बड़ा मन खुश होया, बड़िया यूनीक चीज़ा मैं कहाँगा कि कमाल की कला आ, परमात्मा का पूरा हुनर है, बख्शिश है इन्हों के बहुत ज़्यादा हुनर, बहुत बढ़िया बात। तो आखिर में हम आपसे विदा लेने से पहले एक चीज़ हम जानेंगे कि पहली बार जब आपको आपने चीज़ बनाई कोई भी लकड़ी की, वो क्या बनाई थी, बनने के बाद किसको दिखाई थी, और पहली बार जब आपको अवार्ड मिला तो वो क्या था? सबसे पहले तो एक ओंकारी बनाया था जी, और देखने वाले माता पिता जी थे सबसे पहले। अवार्ड जो है मुझे 2-3 साल काम करने के बाद मिला, और इसी आर्ट गैलरी से मिला था, ऑल इंडिया एग्जीबिशन से। लकड़ियों में आप जान फूंक देते हैं, जंगलों से आपको प्यार है, लेकिन जंगल अब कट रहे हैं, कहाँ से लाएंगे लकड़ियाँ जिसे आप तराश कर संवार कर एक मूर्ति का रूप दें और वो दुनिया उसको देखे और देखती रह जाए? देखिए अब वो समझाने लगी है लोगों को, बहुत सारे ऐसे वातावरण प्रेमी हैं जो लगा रहे हैं लकड़ी, कोई भी चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कुदरत नष्ट हो जाएगी, अगर एक चीज़ भी ख़त्म होगी तो कुदरत नष्ट हो जाएगी। अच्छा ऐसा है कि आप वाहेगुरु का नाम लेके जब आप बनाते हैं तराशते हैं तो आप वाहेगुरु का नाम भी लेते हैं, तो डबल काम करते हैं आप जी, एक वाहेगुरु का नाम भी लेते रहे और काम भी करते रहे, तो इससे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वाहेगुरु का जाप से आपकी जितनी भी आपने आज तक हाथों के हुनर है सभी जो देखते हैं वो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि वाह क्या बात है जी? उसी की कृपा है जी, कोई भी कलाकार है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, माता सरस्वती की कृपा होती है, तो उन्हीं की कृपा से ये काम होता है, नहीं तो हर आदमी ये काम करने लगे जिस पे उसकी कृपा हो गई वही काम कर सकता है। चलिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ स्पेशल गेस्ट थे, आर्ट गैलरी हम पहुँचे थे और नरेंद्र सिंह के बारे में हम बताया जो लकड़ियों में जान फूंक देते हैं, और उनके हाथ में इतना हुनर है जो आप देख ही सकते हैं, 46 यहाँ पे उनकी कलाकृतियाँ उन्होंने लगाई है, लेकिन 100 से ज़्यादा 108 उनका आंकड़ा हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि अमृतसर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और उनकी भी यही हसरत है कि उनका जहाँ ये अपना म्यूज़ियम बनाए। फिलहाल आर्ट गैलरी उनके पास बहुत सहयोग दे रही है, आर्ट गैलरी के वो मुरीद है, आर्ट गैलरी से सारा कुछ सीखा, आर्ट गैलरी को सारा श्रेय देते हैं, आर्ट गैलरी में ही आज उन्होंने अपनी ये मूर्तियाँ लगाई है, कि उनके हाथ का हुनर देखकर 4 बार नेशनल उन्हें जहाँ अवार्ड मिल चुके हैं वहाँ उनकी एक बनाई पेंटिंग में उनको दिल्ली फेस्टिवल शायद या बॉलीवुड फेस्टिवल में उनको मिला है और आर्टिस्ट ऑफ ईयर का अवार्ड। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट सुखविंदर कोहली के साथ सफर शुक्ला, जय हिंद जय भारत।